अल्लाह अपनी रहमत से बावजू मरने की भी तौफीक अता फरमा दे। तो जो चाहता है बावजू मौत आए वो जिंदगी में वुजू का एहतमाम कर ले। अगला अमल चाश की नमाज पढ़ना, सलातु जुहा, 9 बजे 10 बजे, जब सूरज इतना बुलंद हो जाए कि ऊंट के पांव जलने लगे गर्मी से, उसको सलातु जुहा कहते हैं। उसके पढ़ने पर अब जरा गौर करें, वो वक्त कारोबार के लिए पीक टाइम होता है। अल्लाह ताला चूंकि फरमाते हैं, चाहते हैं कि मेरा बंदा मुझसे भूले ना, मुझसे गाफिल ना हो, फरमाया कि हां उस वक्त अगर तुम 2 रकत पढ़ लोगे तुम्हारे रिज्क को हम वसी फरमा। औरतों को चाहिए मर्दों को जब दफ्तरों में और बिजनेस पर भेजे तो बरकत तो अल्लाह ने देनी है, तो पीछे 2 रकत नमाज पढ़ के दुआ मांगे, ए अल्लाह मेरा खाविंद रिज्क के हलाल के लिए घर से चला गया, मैं तेरे सामने हाथ उठाती हूं, तो उसके रिज्क में मेहनत में बरकत डाल दे। सूरह वाकया हर रात में पढ़ना रिज्क को वसी करता है। इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला बीमार हैं, उस्मान गनी लानो पूछने के लिए आए, फरमाया कि अल्लाह का हाजा कोई जरूरत है, फरमाया ला जरूरत नहीं है, उनका मैं कुछ हदिया दे देता हूं, जरूरत नहीं, आपका बेटा नहीं बेटियां ही हैं सारी, तो उन बेटियों को फायदा होगा। तो इब्ने मसूद लानों का यकीन इतना बना हुआ था, फरमाया कि मैंने अपनी बेटियों को सूरह वाकया सिखाई है, वो हर रात को पढ़ती हैं सोने से पहले। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन करा सूरत अल वाकियत कुल्ल लैलतिन लम तुसिबहु फाकतुन अबदा, हर रात सोने से पहले जो सूरह वाकया पढ़े उसको कभी फाका नहीं आ सकता। अगला अमल, एक सहाबी लानो नबी अलैहिस्सलाम से कर्जे की कैफियत बयान की कि जी मकरूज हूं कर्जे में डूब गया, नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हुज़्न व आऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कस्ल व आऊज़ु बिका मिनल जुबन वल बुख़्ल व आऊज़ु बिका मिन ग़लबति दैन व क़हरि रिजाल। वो सहाबी कहते हैं, قال فقلت ذلك فذهب الله همي وقضى عن ديني, मैंने इस दुआ को पढ़ा, अल्लाह ने मेरी परेशानियों को भी दूर कर दिया, मेरे कर्जों को भी उतरवा दिया। इस दुआ को याद करके हर नमाज में पढ़ने का मामूल बना लीजिए। सैयदना हसन रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते थे कि मेरे ऊपर तंगी माली तंगी आ गई और इसी फिक्र की हालत में मेरी आंख लग गई, तो मुझे अपने नाना जान की ज़ियारत हुई ख्वाब में। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्यों परेशान होते हो, ये दुआ पढ़ लिया करो, बिस्मिल्लाह अला नफ्सी व माली व दीनी, अल्लाह मर्ज़िनी बिकज़ाइक बबारिक ली फीमा कुद्दिर ली हत्ता ला उहिब्बत अजील मा अखरता वला ताखीर मा अज्जलत। फरमाते हैं कि इस दुआ को पढ़ने के बाद मुझे अपनी बाद की जिंदगी में कभी माली परेशानी नहीं आई। तो ये आसान बातें हैं जिन पर हम अमल कर सकते हैं। तावीज़ों के पीछे भागते फिरना या आमलों से नुस्खे टोट के पूछते फिरना, क्या जरूरत है उसकी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को बेसहारा छोड़कर नहीं गए, जिसकी जरूरत थी वो सब कुछ बतला दिया। करना हमारे जिम्मे है, हम इन आमाल को करें, और कुछ ऐसे आमाल हैं जिनसे रिज्क बंद होता है, उनसे बचें।
इस वक्त में उनकी तफसील तो नहीं हो सकती, ताहम वो आमाल पढ़ के बता दिए जाते हैं। हदीस मुबारक में इन आमाल का तज़करा कि इनसे रिज्क बंधता है, पहली बात, खड़े होकर जूते पहनकर नंगे सर खाना खाना, खड़े होकर और जूते पहनकर नंगे सर खाना खाना, बैतुल खला में नंगे सर जाना या बैतुल खला में बात करना, मेहमान को बोझ समझना, हाथ धोए बगैर या बिस्मिल्ला यानी दुआ पढ़े बगैर खाना खाना। आप गौर कीजिए, इनमें से अक्सर वो अमल होंगे जो हम करते हैं, तो फिर रिज्क के दरवाजे तो हम नहीं बंद किए ना। खाने के बर्तन को बाद में साफ ना करना, मस्जिद के अंदर दुनिया की बातें करना, फकीर को झिड़क देना, मगरिब के बाद बिला उजर सो जाना, नमाज कजा कर देना, झूठ बोलना। अब ये एक ऐसा अमल है जो आज बहुत कसरत से फैल गया, और शैतान बदबख्त ने झूठ की नफरत को कम करने के लिए इसका नाम बदल दिया, और जी मैंने बहाना बना लिया, क्योंकि झूठ से तो नफरत आती है ना दिल में, बहाने से नफरत नहीं आती। गीबत का नाम गपशप रख दिया, अगला अमल गाने बजाने में दिल लगाना। आज गाड़ियों के अंदर गानों की सीढ़ियां, घरों के अंदर टीवी रेडियो के ऊपर गानों की भरमार, तो रिस्क के दरवाजे तो खुद बंद कर लिए। फिर अगली बात, औलाद को बुरा भला कहना, यह भी अक्सर औरतों में आदत होती है, जरा गुस्सा आया और उस वक्त अपनी औलाद को गालियां देने लग गई। बल्कि आज तो वतीरा ये लोगों ने बना लिया, औलाद को दीन से हटाने के लिए गालियां देती है कि गालियों से डर के ये दीन को छोड़ दे। कुरान मजीद को बेवजू छूना, बेवजू हाथ लगाना। और 15 अमल, नामहरम को देखना। अब सोच लीजिए कि यह गुनाह कितना आम है और रिज्क के बंद होने के शिकवे भी आम है, तो पता चलता है ना कि किन वजूहात से रिज्क बंद है। और आखिरी बात, अहलो अयाल से लड़ते रहना, यह भी हर घर की स्टोरी। आज तो नेक हो या बद, ये तू तू मैं तो अक्सर घरों की बात, तो मियां बीवी की बनती नहीं और ऊपर से रिज्क के शिकवे अल्लाह से। भाई आपस में मोहब्बत और प्यार से रहिए, फिर देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत किस तरह मदद फरमाते हैं। तो जो आमाल कुरान और हदीस में रिज्क की फराखी के लिए बताए गए वो कीजिए कि ताकि दरवाजे खुल जाएं, और जो बताए गए कि दरवाजे बंद होते हैं उनसे बचिए, और अल्लाह की तरफ से रिज्क की कशाइश को अपनी आंखों से देखिए। अल्लाह ताला दे के खुश होते हैं, ले के खुश नहीं होते। अल्लाह ताला हमें बात की समझ अता फरमाए, और इस दुनिया में अल्लाह ताला हमें निकोकारी को मकसद जिंदगी बनाकर जीने की तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।